जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन पार्ट वन के बारे में, जिसमें मैंने पांच क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट टू के बारे में, जो मैंने और भी कुछ थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट वन प्लस कॉस टू एक्स डीएक्स, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो गिवन है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस 2x और ये क्या है, पूरा इंटीग्रेशन है एंड dx के रिस्पेक्ट। तो देखते क्या है, ये हमारा 1 प्लस cos 2x है। अब cos 2x के यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो इस फॉर्मूले को क्या करे, सेटअप करे। अब हमारा cos 2x का तीन फॉर्मूले होते हैं, जो हमारे यहां लगाना है वो क्या होता है, 2 cot स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है, आपको पता भी होगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है रूट 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 क्वाड स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड ये dx, ये वन और वन ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रूट टू, और ये रूट में है ये वन बाई टू। अब देखो क्वाड स्क्वायर ये है, अब इसका वन अपॉन टू करेंगे, टू टू कैंसिल होगा, कॉस एक्स बचेगा, तो हमने क्या लिख दिया यहां कॉस एक्स एंड dx। अब ये रूट टू हमारा क्या कॉन्स्टेंट है, रूट टू को हमने एज इट इज बाहर कर दिया, ये हो गया कॉस डी एक्स। अब कॉस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू एंड साइन एक्स प्लस सी, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में। सेकेंड हमारा प्रॉब्लम जैसे गिवन है, सेकेंड हमारा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड डी थीटा। अब देखो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू हो जाएगा, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टू हो जाएगा एंड प्लस टू ए बी टू साइन थीटा अपॉन टू एंड कॉस थीटा अपॉन टू। अब ये हमारा क्या है डी थीटा। अब देखो जैसे कि हमने बताया था आपको, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वन, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल से दोस्तों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि जो हमारे न्यू व्यूअर हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जरूर जान ले। तो क्या हो जाएगा यहां, ये हो जाएगा वन, अब प्लस अब टू साइन ए कॉस बी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन ये हो गया थीटा और ये हो गया डी थीटा। अब देखो अब इसको हम क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, वन के लिए क्या बताया था एक्स, यहां थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा थीटा, यहां थीटा हो गया, अब माइनस का साइन होगा क्योंकि साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ये दोस्तों हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3 प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। जैसे कि मैंने बताया था, अब ये टर्म क्या है पूरे में है, तो ये हर एक के साथ होगा, तो मैंने इसको भी अलग अलग लिख दिया इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिख लिया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्या कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स, अब साइन दो बार इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन एक्स एंड साइन एक्स, और ये हो गया हमारा डीएक्स इंटीग्रेशन। अब ये थ्री अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन दोनों में होगा, ये हो गया हमारा एक टर्म मैं और लिख देता हूं थ्री साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डीएक्स प्लस फोर। अब देखो ये हमारा है कॉस एक्स, ये बार हमारा क्या है साइन एक्स, अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, अब वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स कॉटेक्स, और इसको मैंने लिख दिया डीएक्स। इसी तरह सेम इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, एक स्टेप मैंने और लिख देता हूं इसको, इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर है डीएक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स
एंड डीएक्स। अब देखो जैसे कि बेसिक क्वेश्चन का फॉर्मूला हमारा क्या है, थ्री कोसेक एक्स, थ्री हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा बाहर हो जाएगा। अब कोसेक एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस का साइन लगाया, ये मैंने दिया कॉट एक्स, अब प्लस ये माइनस, अब ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स, ये किसका इंटीग्रेशन है, कोसेक एक्स का। तो ये क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये दोस्तों हो गया इसका फाइनल आंसर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो था इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स डीएक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स है, इसको मैं ऐसे तो ब्रेक नहीं कर सकते, ना सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या किया, इसको इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या किया, मल्टीपल कर दिया, कोई अंतर नहीं होगा, वन प्लस साइन एक्स किया। एक ही स्टेप दोस्तों देख रहे, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन कोई क्वेश्चन है तो ऐसे ही हल भी करना है। अगर आप बेसिक वीडियो देख लेंगे तो आगे जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या ये वन माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स साइन एक्स, अब ये हो गया डीएक्स। अब अगर आप देखें ये क्या हो सकता है, वन प्लस साइन एक्स लिख रहेगा हमारा साइन एक्स, अब एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, हम इसी से क्या लिख सकते हैं, वन का वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सर। अब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, अगर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया इसको कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। नेक्स्ट क्या है, अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, मैंने लिख दिया वन अपान ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। एक स्टेप दोस्तों मैंने काट दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बट फिलहाल मैंने बता दिया है। अब देखो इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, अब दो बार कॉस होंगे, एक बार कॉस साइन के साथ टेन बनाएगा, एक बार सेक बनाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया sec x एंड tan x इंटू डी एक्स। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। बेसिक फॉर्मूला जरूर याद आपको रखना है, ये याद ही करना पड़ेगा दोस्तों आपको, तो tan x हो गया प्लस sec x इंटू tan x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दो इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा गौर से दोस्तों। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या था कि x प्लस थ्री दिया हुआ था और हमारा दिया है x माइनस टू एंड dx, ये हमारा क्वेश्चन गिवेन है। अब देखो x प्लस थ्री है x माइनस टू है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस टू प्लस फाइव, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस टू एंड dx, लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा 3 है, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 तो बचेगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों, इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये जो टर्म होता है हमारा दोनों के लिए होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस टू अपान x माइनस टू dx प्लस का साइन, ये हो गया 5 x माइनस टू एंड dx। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1dx प्लस 5 अपान x माइनस टू, 5 हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, ये हम कर दिया 1 अपान x माइनस टू एंड dx। ओके, अब देखो ये हमारा 1 है, 1dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 5, बताया तो 1 अपान x के लिए x माइनस टू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log x माइनस टू प्लस सी। ये हमारे हो गए पांचों क्वेश्चन दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।